अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं खुर्रम टेक्निकल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अपनी सीवी को किस तरह से बनाना है, क्या आपने अपनी सीवी को किस तरह से क्रिएट करना है। सीवी ज्यादातर लोग बना भी रहे होते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं कि सर हमें सीवी बनाना सिखा दे। इसके ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से किस तरह से अपनी सीवी खुद की क्रिएट कर सकते हैं। और ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपना खुद का कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता, तो वो कहते हैं कि सर ऐसा कोई तरीकाकार बताएं कि आप अपने मोबाइल से प्रोफेशनल तरीके से अपनी सीवी को खुद क्रिएट कर सके। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अपने मोबाइल से सीवी को किस तरह से क्रिएट करना है, एक प्रोफेशनल तरीके से आप अपनी खुद की सीवी क्रिएट कर सकते हैं। सीवी बनाने से कोई भी बना लेता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, कुछ ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि हमने क्या क्या चीजें इसमें ऐड करनी है। अगर हम फ्रेशर, हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, वो कैसे ऐड करना है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगा हूं इसी वीडियो में। आपने कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आप भी अपने ये वीडियो देख के अपने प्रोफेशनल तरीके से मोबाइल के ऊपर अपनी सीवी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल फ्रॉम टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम जाए कि ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले चले जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हमने सर्च करना है कैनवा, क्योंकि ये हम ऑनलाइन सीवी बनाएंगे तो इसलिए आपने कैनवा के ऊपर क्लिक कर देना है। और कैनवा को जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है तो इस तरह से कैनवा ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अगर क्रिएट करना है तो आपने सबसे पहले इसमें अपना जीमेल जो है उसको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे टेम्पलेट्स, सीवी टेम्पलेट्स, रेज्यूम टेम्पलेट्स, आप कुछ भी टाइप कर लें तो अगर सीवी टेम्पलेट्स करेंगे तो सीवी से ही रिलेटेड आ जाएगा और यहाँ पे आपको सजेस्ट भी कर देगा जैसे कि प्रोफेशनल सीवी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया है प्रोफेशनल सीवी, तो ये सारे आप यहाँ पर टेम्पलेट्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग फॉर्मेट के आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे जो कि प्रोफेशनल तरीके से सीवी क्रिएट्स की हुई हैं। इसमें से कुछ ऐसी हैं जहाँ पे लिखा हुआ है पेड, यानी प्रो है तो ये पेड है। अगर इनका टेम्पलेट का यूज़ करेंगे तो ये पेड है। अगर फ्री में आप यूज़ करना चाहते हैं जिनके ऊपर ये प्रो का आ रहा है, अगर ये ना हो तो वो फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं, ये पेड है, आप इनको बाय कर सकते हैं। अगर इनका यूज़ करना चाहते हैं तो एक दफ़े इनको बाय कर ले, बाद में इनको यूज़ कर सकते हैं बार बार। और इसी तरह से हमने जो करना है वो हमने फ्री में करना है, तो यहाँ पे हम कुछ भी टेम्पलेट्स देख लेते हैं जो कि फ्री में है तो उसी को एडिट करके देखते हैं। तो ये मेरे पास आ चुका है यहाँ पे ऑरेंज ब्लैक, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसी को अब यहाँ पे एडिट करेंगे। तो ये टेम्पलेट्स भी देखें, काफ़ी देखने में प्रोफेशनल लग रहा है तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करेंगे। इसको एडिट करने के लिए भी आपने स्टेप बाई स्टेप करना है, जैसे कि फर्स्ट में नेम है, आपने फर्स्ट इसको जो नेम है उसको एडिट करना है। और इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर की जगह पे अगर आप कुछ भी हैं तो आपने वो ऐड करना है। अब सबसे पहले इसका जो नेम है इसको हम एडिट करेंगे। अब यहाँ पर नेम को एडिट करने के लिए इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसके ऊपर या तो डबल क्लिक करना है या नीचे एडिट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नेम को ऐड कर देना है। अब जैसे मैंने ये नेम लिखा है उसके बाद मैं इसी को इसके ऊपर अगेन क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा। ऊपर आपको आइकन नज़र आ रहा है डुप्लीकेट का, आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेते हैं और नीचे देखें तो नीचे लेयर के आगे भी इसी तरह से मोर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी है, इसको हम कॉपी करके इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, इसकी डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका जो डुप्लीकेट है उसको ले लूँगा इसके ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पर जो इसका डुप्लीकेट है उसको क्रिएट कर लेंगे। अब मेरे पास ये नेम शमीर आ गया है, शमीर को मैंने यहाँ पे प्लस के ऊपर आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लिया। अब शमीर को यहाँ पे एडिट करके इसको भी चेंज कर लेंगे। अब फर्स्ट नेम शमीर और शमीर अब्बास होगा तो यहाँ पे अब्बास आ गया, इसको यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब नीचे देखें जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, अगर आप वेब डिवेलपर हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर और जो मैं क्रिएट करने लगा हूँ वो है मोबाइल टेक्नीशियन, तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करके मोबाइल टेक्नीशियन मैंने ऐड कर दिया है। अब नीचे यहाँ पे आते हैं कॉन्टैक्ट में, अब कॉन्टैक्ट को ऐड करना है। कॉन्टैक्ट को एडिट करने के लिए यहाँ पे हमने इसका जो नंबर, ईमेल, एड्रेस इनको चेंज करना है। इसके ऊपर मैं टैप करूँगा, क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट में जो इसका नंबर है, नंबर को एडिट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर है जीमेल अकाउंट, इसको भी एडिट कर लेंगे। उसके बाद नीचे है एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस भी एडिट हो गया है। अब नीचे हमारे पास अगर कोई वेबसाइट नहीं है तो उसको हम यहाँ से डेल कर देंगे, ये मैंने डेल कर दिया है। डेल करने के बाद अब नीचे है स्किल्स, स्किल्स से पहले हम यहाँ पे लैंग्वेज में आते हैं। लैंग्वेज के ऊपर मैंने क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद इसको एडिट कर लेते हैं। फर्स्ट में इंग्लिश और सेकंड में उर्दू और थर्ड में पंजाबी आ गया है। अब ये तो सारी बेसिक चीज़ें जो हमने ऐड कर ली। अब यहाँ पे स्किल्स है। अब स्किल को ऐड करने के लिए अब जैसे मोबाइल टेक्नीशियन है तो इसके पास क्या स्किल्स हो सकती हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है यानी आपने काम किया हुआ है स्किल आपको समझ नहीं आ रही तो क्या ऐड करना है, आपने सिंपल जाना है वहाँ पर, आपने सर्च कर लेना है। मैंने यहाँ पर सर्च किया मोबाइल टेक्नीशियन स्किल्स। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो नीचे आप देख सकते हैं फ्रॉम सोर्स अक्रॉस द वेब, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्किल्स आ चुकी हैं कि यानी जो मोबाइल टेक्नीशियन के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ जो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे देखता हूँ जो ज़्यादा हेल्पफुल है उनको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। आपने इसी तरह से अपने रिलेटेड अगर आप टीचर हैं या वेब डेवलपर हैं, इसके अलावा अगर कुछ भी आपके पास कोई स्किल्स है तो आपने वो सर्च कर लेनी है गूगल से, उसको बाद आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 उनको कॉपी और पेस्ट कर लूँगा। तो फर्स्ट में मैंने ये वाली एक कॉपी की है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मोबाइल डिवाइस यानी मोबाइल टेक्नीशियन में मोबाइल डिवाइस को रिपेयर किया जाता है, तो मोबाइल डिवाइस रिपेयर। उसके बाद यहाँ पे और आते हैं और यहाँ पे एक और कस्टमर सर्विसेज, तो यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज होती हैं जाहिर है मोबाइल टेक्नीशियन में, तो उसको भी यहाँ पे मैं रख दूंगा। अब यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब थर्ड नंबर पे क्या है वो भी देखते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं। इस तरह से मैं सारी जो है उनको ऐड कर लूँगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 3 से 4 सेम इसी तरह से कॉपी पेस्ट किए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब आगे हमारे पास ये कुछ स्टार्स आ रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करके इनको 1 by 1 यहाँ पे डिलीट कर देंगे। और ये देखें ये कुछ नीचे ऊपर थे, इन टेक्स्ट को आगे फैला देंगे तो ये जो इनकी नंबरिंग है वो बिल्कुल एक लाइन पे आ जाएगी। अब आगे है स्टार्स, तो ये स्टार्स करने के लिए यहाँ पे लेयर्स के ऊपर जाएंगे, लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी लेयर्स आ जाएंगी जो जो चीज़ें इसमें एडिट की हुई हैं। अब इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टार्स की लाइनें आएंगी, इनको हम अगर चाहिए तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज इनको डेल कर दें। तो मैं इनको 1 by 1 यहाँ से डेल कर दूंगा, तो मैं इन सब को यहाँ पे 1 by 1 डेल कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज इनको डेल कर दें। तो ये मेरे पास सारी मैंने यहाँ पे इनको डेल कर दिया है, ये नीचे पड़ी है, तो यहाँ पे इसको आके स्टार्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल इसको यहाँ पे डेल कर देंगे, तो ये यहाँ पे डेल हो चुका है। अब हमारे पास कॉन्टैक्ट भी आ गया, स्किल्स भी आ गया है और लैंग्वेज भी आ गया है। अब हमने यहाँ पे प्रोफाइल में एडिट करना है। प्रोफाइल में क्या एडिट करना है वो हमारा अबाउट होगा, तो हमने अपने अबाउट से रिलेटेड कुछ समरी वगैरह ऐड करनी है, तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड सर्च करके वो भी ऐड कर सकते हैं। जो अपनी प्रोफाइल होती है उसके लिए ऑब्जेक्टिव लिख लें या फिर कुछ समरी फॉर रिज्यूम या सीवी के लिए कर लें, तो आपको कुछ ऐसे नंबरिंग मिल जाएगी जो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ आपको पैराग्राफ मिल जाएंगे अपने करियर से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप करियर ऑब्जेक्टिव एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल्स आ चुकी हैं। व्हाट इज़ अ गुड ऑब्जेक्टिव फॉर अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए अगर आपने ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कुछ और अच्छी लगे तो वो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने सेकंड पे जो स्टूडेंट के नीचे है सेकंड वाला पैराग्राफ इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको सिंपल प्रोफाइल में आऊँगा, यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। अब क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे एडिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे, इन सब को यहाँ पे रिमूव किया और रिमूव करने के बाद जो मैंने वहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब नीचे है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, तो ये मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ पे आना है गूगल में और आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस फ्रेशर लिख देना है या एक्सपीरियंस फॉर मोबाइल टेक्नीशियन। आपके पास कोई भी अगर आपके पास स्किल्स है तो उससे रिलेटेड आपने एक्सपीरियंस को फाइंड कर लेना है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आपको गूगल से ही सर्च करने में मिल जाएंगी, तो वो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो ये देखें ये यहाँ पर मैंने एक मोबाइल शॉप है उसका नाम ऐड कर दिया और नीचे जो उससे रिलेटेड कुछ टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनको यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी तरह से आपने सर्च कर लेना है, अगर आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी है तो आपने सर्च कर लेना है। अब नीचे यहाँ पे आता है एजुकेशन, एजुकेशन तो वही होगी जो आपकी होगी, आपने मैट्रिक किया हुआ है इंटर किया हुआ है, और अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह एजुकेशन में अगर आपने कोई डिप्लोमा किया तो वो भी आप एजुकेशन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आ गया है मैट्रिकुलेशन यानी आपने किस ईयर में किया था, तो ये 2018 और 2020 तक इसने मैट्रिक की हुई है, तो यहाँ पे मैट्रिक ऐड कर दिया है।
इसी तरह से नीचे इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट के आगे भी इनके जो ईयर हैं उनको लिख देंगे, जैसे 2020 से लेकर 2022 तक। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट के हवाले से हमने जो चीज़ें ऐड करनी थी वो हमने यहाँ पे कर ली हैं। और अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है पिक्चर। आपने पिक्चर को कैसे चेंज करना है, आपने पिक्चर के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है रिप्लेस का। आपने रिप्लेस के ऊपर क्लिक करके अपनी गैलरी में जो पिक्चर पड़ी होगी उसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये इसको आपने सेव कर लेना है। ऊपर जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है आइकन, इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपनी जो पिक्चर है उसको पीडीएफ में या फिर आपने गैलरी में सेव करना है तो आप इजीली कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।